नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। देखिए, सम्राट चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। वो अभी जीतनराम मांझी के घर पर पहुंचे थे भेंट मुलाकात करने के लिए। करीब 2 घंटे तक उन्होंने जीतनराम मांझी के आवास पर रुका और क्या कुछ बात किए कि इतनी देरी हुई बात करने में। जब बात करके निकलते हैं जीतनराम मांझी के आवास से बाहर तो पत्रकारों के सामने क्या कुछ बयान दे रहे हैं, पहले बात उनकी सुनिए। सभी पार्टियों से हम लोग बात करते हैं। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ, बिहार कैबिनेट को लेकर बातें सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। या मजबूत विभाग की मांग कर रहे थे जो अच्छा विभाग है। देखिए, आदरणीय जीतनराम मांझी का सहयोग रहा है इतना ही काफी। अच्छा, पशुपति क्या लग रहा है, ये नाराजगी की क्या बात है? पशुपति पारस भी आज, अरे पारस जी नाराज है क्या? कुशवाहा से भी, उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी दिख रही है। चुप्पी साधे में उपेंद्र कुशवाहा पीछे गाड़ी धक्का लग गया। तो आप लोगों ने सुना साफ तौर पे सम्राट चौधरी से जब पत्रकार उनसे सवाल किए कि आखिर क्या बातचीत चली करीब 2 घंटे तक, तो कहा बस आपसी बातचीत चल रही थी। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा के बातों पे पत्रकार ने सवाल पूछा तो उपेंद्र कुशवाहा के सवालों का जवाब ना दिए। लेकिन सीट शेयरिंग की बात कहा जाए, मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कहा जाए तो सारा कुछ का जवाब उन्होंने दिया पत्रकारों को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बातों वाली बात पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।